तिथून मग मी करतो आठवड्यानंतर लगेच तिथं आपका नाम बोलेंगे? मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार चंदा है। ये जो आज जो चेकअप चल रहा है, क्या चेकअप चल रहा है, क्या हो रहा है? ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। ये आस्थमा पेशेंट जो रहते हैं उनके लिए ये टेस्ट है। ये सिप्ला की तरफ से है। ये आज हम लोगों का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो कैसे पहले कैसे पकल बताया कि आज है बोल के चेकअप है फ्री? अच्छा, ये इसके लिए हम पब्लिसिटी के लिए क्या किए थे, बैनर लगाए थे, उसके साथ 2000 लीटर पेपर में हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो पेशेंट लोग वही देख के आज इधर आ रहे हैं। सर आपका नाम थोड़ा बताएंगे? मैं डॉक्टर भवानी शंकर बेहरा। तो पिछली बार भी देखे थे आप भोजन का हेल्प के यहीं पर ट्रीटमेंट किए थे, सबका फ्री चेकअप किए थे। तो आज जो चेकअप चल रहे हैं, तो क्या चीज़ का चेकअप चल रहा है और लोगों को कितना इफेक्ट पड़ रहा है इस बीमारी? क्योंकि ये चीज़ हम लोग आजमा को डिटेक्ट करने के लिए एक प्रोग्राम चला रहे हैं। क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि बहुत सर्दी, मौसम चेंज होने से उनको सर्दी खांसी होना, छाती में से आवाज़ होना, डस्ट से एलर्जी होना है, और उसके रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि छींक, बहुत लंबा टाइम तक खांसी भी रह जाता है। लोगों को उसके बारे में एक अवेयरनेस देना है और कैसे मेडिकेशन कैसे बेनिफिट हो सकता है उनके लिए, वो भी उनको समझाना है। कई बार लोगों का एक ध्यान में रहता है कि इन्हेलर लेने से लाइफ टाइम तक हमें लेना पड़ेगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये डिजीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दवाई ठीक लेना है और सही तरीके से लेने से हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। खाना पीना क्या क्या मना रहता है? खाना नॉर्मली तो वैसे कुछ अवॉइड नहीं करते हैं। नॉर्मली हम लोग अवॉइड करते हैं जैसे ज़्यादा ठंडा चीज़ या नमकीन हुआ, ऑयली चीज़ हुआ, जंक फूड हुआ, ये सब प्रेफरेबली इन पेशेंट्स में नॉर्मली अवॉइड करना ज़रूरी है।